हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज है 15 अगस्त का दिन, तो मैं आज कुछ ऐसा खास नहीं बनाने जा रही हूँ। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी आज इडली बना दीजिए, तो मैं इडली का ही तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, मैं चावल फूलने के लिए डाल दी हूँ, उसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ एक दो पानी से। और उसके बाद मैं इसे डाल दे रही हूँ, उसको पूरा चावल अच्छी तरह से भीग जाएगा। तो उसके लिए 3-4 घंटा पहले ही मैं इसको डाल देती हूँ। देखिए, तो मैं इसको पानी धो के छोड़ती हूँ, और इधर मेरा किचन साफ नहीं की थी, तो इसको भीगने पहले दे देती हूँ, क्योंकि इसको भीगने में भी टाइम लगता है, इसलिए किचन साफ करने से पहले मैं डाल दी थी। और देखिए, इधर मेरा चावल पूरा भींग के तैयार हो गया है, तो मैं इसे मिक्सर में डाल दे रही हूँ। और इसका एक बैटर तैयार करना है, इडली बैटर। तो इसमें थोड़ा दही भी मिला दे रही हूँ साथ में, बाद में मिलाइए या पहले साथ में मिलाइए, बात बराबर है। और इधर मैं सब कर ली हूँ तैयारी, और शाम का टाइम हो गया है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पूरा घर में साफ कर लूँगी झाड़ू लगा के। फ्रंट वाला दरवाजा का जो सामने है ना, वो बहुत ही धूल मिट्टी आ जाता है। बाहर में ट्रैक्टर गांव है, तो ट्रैक्टर वैक्टर चलते रहता है, उसका धूल मिट्टी हवा में उड़ती आ जाता है, उसका पत्ता भी गिर जाता है, तो उसमें गंदगी हो जाता है। तो इसलिए शाम को या सुबह को झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है। सुबह शाम को ही मैं झाड़ू लगाती हूँ 2 बार। और इधर मेरा बेटा गया है मार्केट, बड़ा वाला लड़का, तो वही अभी आ रहा है, तो उसी को मैं देख रही हूँ कि एक बाइक आके खड़ा हुआ, तो उसी को देख रही हूँ कि मैं कौन आया है, तो फिर पता चला कि बेटा ये है और लड़की मेरी आ गई है, लड़की भी साथ में गई थी। तो इधर देखिए, 2 रुपये का अंडा लाया है, तो अंडा को देख रहा है कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, चेक कर रहा है एक करके, क्योंकि हम लोग का मार्केट 7-8 किलोमीटर दूर है गाँव से, तो लाते लाते एक या दो अंडा टूट ही जाता है लगभग। और देखिए, मेरा छोटा बाबू कैमरे के सामने आके मस्ती कर रहा है, और इसका अंडे का अच्छा से सजा के बोले कि रख दो, क्योंकि बाहर में रहेगा तो फिर बाबू तोड़ उड़ देगा इसीलिए। और वो बोला चलिए मम्मी ऊपर छत पर, तो हम लोग छत पर जा रहे हैं, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, तो बोले थोड़ा छत पे जाके टाइम बिताएंगे। हम लोग आ गए हैं छत, छत में इतना सुंदर हवा लग रहा है, देखिए इसका मस्ती, देखिए हम लोग का यहाँ का नज़ारा, बारिश में बहुत ही हरा भरा दूर दूर तक नज़र आ रहा है। ये मेरा सामने में एक स्कूल है, लग रहा है कि दूर है लेकिन सामने में ही है, कैमरा से सब लग रहा कि बहुत दूर है। ये देखिए, मेरा घर थोड़ा मोहल्ले से दूर है, खट के है, ज़्यादा घर दिख नहीं रहा है, और पेड़ पौधा के कारण भी दिख नहीं रहा है, बहुत सारा पेड़ पौधा। और ये छत मेरा बहुत ही अभी गंदा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में काम हुआ था, तो टाइल्स मार्बल सब रखा हुआ है। देखिए मेरे पीछे का नज़ारा पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, देखिए। तो मेरे घर के सामने 2 पोल्ट्री फार्म है बड़ा बड़ा, वो एक नया बन रहा है, वही मैं दिखा रही हूँ आपको। और नीचे का सीन दिखा रही हूँ ऊपर से, ये बच्चे लोग शाम को घूमने आए हैं, पर मैदान है सामने में 2, तो फुटबॉल क्रिकेट
चलते रहता है और मैं इधर आ गई हूँ इडली बनाने का तैयारी करने के लिए। तो मैं कद्दू का एक टुकड़ा ले ली हूँ, उसको छील के काट रही हूँ और एक आलू उसमें मिक्स करना है तो उसको भी छोटा छोटा करके काट लूँगी। टमाटर अभी नहीं मिला रही हूँ क्योंकि टमाटर घर में है नहीं और मेरा बगान में भी अभी बरसात के टाइम होता नहीं है और बाज़ार भी दूर है और लॉकडाउन की वजह से लाना मुश्किल है, तो जो है उसी में बना रही हूँ मैं सांभर। आज बहुत दिन नहीं, सप्ताह या दो सप्ताह में एक बार बनाती हूँ तो सप्ताह भर भी हो जाता है तो लगता है कि बहुत दिन हो गया है खाए हुए, इसलिए बहुत मन कर रहा था मुझे और मेरे बच्चे को इडली खाने का। आज ऐसे भी खास दिन है तो हम लोग चलो बनाते हैं, आज इडली बनाते हैं। तो वही इडली का तैयारी कर ली हूँ मैं, इधर सब्जी काट ली हूँ और इधर दाल भी रख तैयार कर ली हूँ। अब कुकर चढ़ा दी हूँ गैस में और पानी में डाल के उसमें दाल जो है उसको अच्छा से धो के तो उसमें डाल दे रही हूँ। इधर सब्जी सब को डाल देना है, इसमें फ्राई व्राई करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब ये मतलब सिझा के ही बनाया जाता है, इसे फ्राई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी देखे होंगे कुकिंग चैनल में इडली का जो सांभर होता है उसको सिझा कर, बहुत ही आसान मेथड है, सब डाल दो और कुकर में उसको सीटी लगा के उतार दो और छोक दो, बस इतना ही सारा मेथड है सिंपल। तो इधर मैं एक सीटी लगने के लिए छोड़ दी हूँ और क्योंकि इधर मैं कढ़ाई चढ़ा के और मूँगफली भी तल दे रही हूँ, उसको भून लूँगी अच्छा से और उसका बेटर तैयार कर लूँगी चटनी का। और इधर देखिए सांभर मसाला रेनू भी रखी हूँ क्योंकि मैं बेटर ज़्यादा देर तक नहीं उसको मतलब फूलने के लिए छोड़ी थी, लगभग 3-4 घंटा ही फुलाई हूँ तो इसमें फूलेगा नहीं इडली, तो इसलिए मैं तीनों मिला दे रही हूँ ताकि वो स्पॉन्जी बने। तो इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी, देखिए कैसे फूल गया है। और मेरा सांभर तो उधर रेडी हो गया है, गल गया अच्छा से, उसका तड़का लगाना है। अब तड़के के लिए मैंने जीरा और कड़ी पत्ता और हरी मिर्च ले ली हूँ, उसको पत्ते को मैं बाद में डालूँगी क्यों वो बहुत ही तड़कता है ना इसलिए। तो अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूँगी टुकड़ा करके, तो डाल दी हूँ मैं कड़ी पत्ता। तो इसको थोड़ा फ्राई करके थोड़ा जलने जलने टाइप हो जाएगा, देखिए हो गया। अब इसमें डाल दूँगी मैं छिड़क दूँगी और ये मेरा सांभर रेडी हो गया है, बहुत ही खुशबू आ रहा है अच्छा से, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इडली बनाने का तैयारी कर रही हूँ, सांचे में तेल लगा रही हूँ क्योंकि तेल नहीं लगाइएगा तो बहुत चिपक जाता है, निकलने नहीं खोजता आसानी से, इसके लिए इसमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सारा इडली का स्टैंड में क्या कैसे लगा ली हूँ तेल, अब मैं इसमें डालूँगी बैटर, सारे में बैटर डाल लूँगी सब सांचे में। मेरा सांचा बहुत ही छोटा है तो थोड़ा सा डालने से ही भर जाता है, छोटा छोटा इडली का स्टैंड है ये वाला सांचा, सब छोटा ही है, बड़ा बड़ा इडली स्टैंड नहीं है। तो मैं इसको डाल दूँगी अब कुकर में, और इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी बाकी को पकाने के लिए। अगर मेरा कुकर छोटी है तो उसका लगा दे रही हूँ
देखिए मेरा हो गया इडली बन के तैयार। बताइए मेरा इडली कैसा बना है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको खोल के। अभी घर में जो मूँगफली का चटनी बनाई थी उसको भी मैं तड़का लगा दे रही हूँ। इस पर भी तड़का लगाना पड़ता है, नहीं तड़का लगाइएगा तो टेस्ट नहीं आएगा। बेटी बोल रही है बना कि नहीं बना, देखिए वो भी आ गई है, बोल रहे हमको चाहिए, इसको मैं दे दूंगी क्योंकि इससे सब्र नहीं हो रहा है, बोल रहे हमको पहले दे दीजिए, इसी को मैं दे रही हूँ। उसके बाद में बेटा को और हस्बैंड को दूंगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। देखिए मेरी इडली की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। देखिए मेरी इडली का थाली भी तैयार कर ली हूँ, कैसा लग रहा बताइएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।